हेलो गाइज, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइज गाइज देखो, आज मैं अपनी रियल जिंदगी की बात बताने जा रही हूँ। मैंने कभी भी अपने जिंदगी के बारे में कभी नहीं बताया, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैंने आप लोगों को कभी नहीं बताया। आज मैं बताऊंगी जरूर। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो गाइज देखो, सारे मोहल्ले के लोग जलते हैं हमारे घर वालों से, इसलिए सजा हमें भुगतने पड़ती है हमेशा। शुरू शुरू में हमारी शादी होके आई थी, तब सारे लोगों ने भड़का भड़का के उधर की इधर उधर की उधर कर करके मुझे मार पीट के, मार मार भी खाई यहाँ पर, मुझे मार पीट के अलग करवा दिया, अलग हो गए। फिर मुझे खाने पीने तक को नहीं कुछ भी दिया, ना खेत दिया जो कमा सकूं खा सकूं, कुछ भी नहीं दिया। फिर मैं अपने, मेरे भी है ना, मेरा हस्बैंड मजूरी कर करके गुजर करता था, हमारा इलाज भी हो रहा था, इलाज के लिए भी पैसे नहीं देते थे कोई, ना खाने को देते थे, कुछ भी नहीं देते। हमने बहुत जिंदगी में बहुत दुख झेले। और फिर उसके बाद में बहुत इलाज करवाने के बाद मेरी एक बेटी भाई, बेटी भाई तब सब लोग कर गए बेटी भाई। हमने कि चलो कोई बात नहीं, हमारा बच्चा तो, हम बहुत खुश हुए। फिर उसके बाद वो काफी, मतलब 2-3 साल 4 साल बाद, फिर 4 साल के बाद वो भी सबने कहा अरे एक मोड़ ही है, लोड़ा सूब नहीं है। फिर उन्हें फिर एक और करिए तो एक और भी बेटी आ गई। फिर उसके बाद फिर भी बेटी, फिर पूरा मोहल्ला खूब हंसो, पूरा मोहल्ला खूब हंसा के देखो मोड़ी आई, इनके मोड़ी आई। सारे बहुत खुश भाई, खूब खुश। हम बहुत परेशान है। फिर उसके बाद में हमने कही अब कैसे काम, ये कुछ नहीं हमारे हाथ में। फिर उसके बाद में इन्होंने अलग करवा दिया, अलग हो गए। फिर उसके बाद भी कुछ भी मुझे हिस्सा तक नहीं मिला, हिस्सा भी नहीं मिला, मेरा हिस्सा भी खा लिया सारे उन्हें, सारा हिस्सा भी खत्म कर दिया, कह दिया अलग हो गए, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं। भाई हम बहुत परेशान हो गए। एक कमरा है उसी में रहते हैं हम लोग, अपनों सारे सारे रह रहे, अपना ने बिल्डिंग बनवा ली, सारे लोगों ने न पैसा दिया, न घर दिया, न जमीन दी, कुछ नहीं। एक कोठा सा आया, उसी में मेरा सामान रखा था, उसी में रहने के लिए दे दिया, और कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। सारे लोगों ने बहुत परेशान करके रख दिया मुझे। फिर वहां के बाद में हम बहुत परेशान हो गए। फिर एक दिन मेरे भैया ने कही कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर शायद कभी काम हो जाए। तो हमने वीडियो बनाए, वो चालू करे, मेरे बच्चे ने करी, वो छोटे छोटे बच्चा है, वीडियो बनाओ करते थे मेरे बच्चा, हमारे बच्चा ने। फिर हम लोग फेमस हो गए, फेमस हो गए। शॉर्ट वीडियो से कितने इनकम आती है, थोड़ा बहुत आ जाता है, खर्चा पानी चल जाता है। शॉर्ट वीडियो से कुछ इनकम नहीं होती है, बस थोड़ा बहुत खर्चा के लिए पैसा आता था। इतने जलने लगे हैं सारे घर वालों का, इतना इतना सबके 10-10 बीघा का लाशन है, सारा कुछ है। हाँ, मेरे तो कुछ भी नहीं है, फिर भी लोगों ने मेरे नाम से कंप्लेन करवाई दी है कि गाइस कहते इनके ये है वो है, मेरा 3 वाट का मेरे कनेक्शन करवा दिया है। और बहुत बहुत लोगों से हम बहुत परेशान हुए, गए चाहे नहीं समझना, और जाएंगे दी जाए। कहते हैं इनके सर पूरा मोहल्ला का चलता है, ये सारे सारे कुछ चलते हैं, सारे
किसी का कनेक्शन भी नहीं है, फिर भी चलता है, हीटर चलते हैं, पंखा कूलर सब सब सामान चल। और हमारा नेकल दत्ती न ले गई, बहुत ही ज्यादा परेशान कर लो सबना। तो गाइज वीडियो बनावे तो सब दिक्कत होते, सब बहुत दिक्कत होते, सब परेशानी होने लगा थे कि कोई बहू वीडियो बनाते, वीडियो बना देंगे तो अपन अपनों पैसा खर्च करके बना देंगे, अपनी मेहनत करके वीडियो बना, सारू काम करके वीडियो बनाते हैं, सब दिक्कत हो तो बहुत हम थे हैं बेशर्मी लाद के वीडियो बनाओ, फिर वो आदमी ने इतनी जलन हो तो कि बता ही नहीं सकते हैं। वीडियो मत बनाओ, लोगन के घर में कटोरा लेकर मांगो, वो अच्छो लगत लोगन को, वो ही अच्छो लगत लोगन को, तो उनते उन्हें खुशी मिलते कि चलो हाँ उनकी बहू उनके घर मांगन तो गई भीख सी, जो अच्छो लगा सब है। तो गाइज हम सब सब कुछ सुन सबकी सुन के हम अपने काम पे हम ध्यान दे देंगे, चाहे कोई कछु कहे, फिर वो आदमी ने कोई इतनी दिक्कत हो तो पता नहीं सकत, जाके मारे हम कहूँ बना लो नहीं जात वीडियो, अपने घर पे ही बनाते हैं, जैसो मेरे छोटो पूरू जैसो का रहता है अपने घर में बनाता हम वीडियो, फिर उन लोगों को इतनी दिक्कत हो तो हम बता नहीं सकत। हमारे लाग तो इतने मरे जा रहे आदमी, परेशान हो गए हम तो, जाकाओ कुछ जलन आए हम तो सामने आए के बात कर रहे, चाह कोई हुए पीछे तो का बार कर रहे हैंगे, दुश्मनी करनी है तो सामने चरके आए छाती पे तब देखें को कितो बड़ो रंगवा जाए। चलने वाले एक बात और ध्यान रख लें कि तुम्हारी खैर नहीं है कि पता तो लगन दे कि हाँ है कौन, बे तुम तो हंस हंस के बोली हंस हंस के, अब बस रो रो के कहे जाइए न सुने, मतलब प्यार से तुम प्यार जताइए कि हाँ कितो हमदर्दी दिखाए रहे, और फिर अगले इंसान से रो रो के कहे जाए कि इतनी प्रॉब्लम होता आदमी ने को हम बता नहीं सका, आदमी औरत है जिनकी इतनी दिक्कत होता है एक दूसरे, आदमी औरत अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरों की सुखी से परेशान है, ऐसे जमानो चल रहा है वो, हम बहुत परेशान है जब गाँव होते हैं। तो गाइज लोगन के घर में हीटर चल रहे, सारा सामान चल रहा है, बिना कनेक्शन के चलाए रहे, फिर भी उनके लिए कुछ भी नहीं होता, हमारा कनेक्शन भी होते हुए भी हमें बहुत परेशान करते हैं लोग, बता नहीं सका थे।